I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. तुम सभी इस शस्त्र से भलीभांति परिचित हो, ये गदा है। जिस प्रकार धनुर्विद्या में स्वयं का एकाग्रचित होना अति आवश्यक है, उसी प्रकार गदा युद्ध में भी स्वयं का एकाग्रचित होना अति आवश्यक है। परंतु इस शस्त्र के प्रयोग करने वाले को ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका प्रहार पेट के नीचे ना हो, क्योंकि गदा युद्ध के भी अपने कुछ नियम होते हैं। वो गदाधारी अच्छा नहीं माना जाता है जो इसका प्रहार पेट के नीचे करे। दुर्योधन जी। गुरुदेव ये लो, भीम जाओ अभ्यास करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ऐसा नहीं लगता गुरुवर कि मेरा दुर्योधन बड़ा होकर संसार के माने हुए गदाधारियों में गिना जाएगा? अवश्य वत्स, अवश्य। कर हस्तिनापुर के कुत्ते, तो यूं नहीं मानेगा। ये देखिए गुरुदेव। चलो चलकर देखते हैं। धनुर्धर, अपना परिचय दो। व्याद कुमार एकलव्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। तुम गुरुदेव के शिष्य कैसे बन सकते हो? गुरु भाइयों को भी सादर प्रणाम। तुमने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी। आपने अवश्य मुझे शिक्षा नहीं दी है परम पूज्य गुरुदेव। तो फिर मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो गया? क्योंकि शिक्षा मैंने आप ही से ली है। यदि मैंने शिक्षा दी नहीं तो तुमने मुझसे शिक्षा ली कैसे? आप स्वयं चलकर मेरे गुरुकुल में देख लीजिए। आपकी प्रतिमा को ही गुरु मानकर धनुर्विद्या पाई है। आप इन राजकुमारों को जो गुरुकुल में शिक्षा देते थे उसे मैं छिप कर देखता था और सीखने का प्रयत्न करता था। अब अपना पूरा परिचय दो। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं व्यासराज हिरण्य धनु का पुत्र हूं। मेरे पिता मगध नरेश जरासंध के एक सेनानायक हैं। मेरे मित्र बनोगे? यदि हस्तिनापुर और मगध के बीच मित्रता रही तो अवश्य बनूंगा। तुम तो बड़े तेजस्वी धनुर्धर हो एकलव्य। ये आप ही की कृपा का प्रसाद है गुरुदेव, और ये प्रतिमा मेरी साक्षी है। परंतु शिक्षा के लिए गुरु की आज्ञा आवश्यक है। मैंने आपकी प्रतिमा से आज्ञा ले ली थी गुरुदेव। तो फिर गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? आदेश दीजिए गुरुदेव। मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। जो आ गया गुरुदेव।